श्री राम, वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो भाई अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और भाई यहाँ के नज़ारे इतने तगड़े हैं कि भाई अपने रूम से बाहर दिखाता हूँ तो एकदम गोल्डन गोल्डन दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि इस सिटी को गोल्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि मैं हूँ इस टाइम जैसलमेर में और भाई अपना ऑटो आएगा 9 बजे जो कि जैसलमेर सिटी घुमाएगा। उसके बाद फिर 40 किलोमीटर आगे हमें जाना है, वहाँ पे करने कैंपिंग सैम्पिंग था रिजॉर्ट फिजॉर्ट जाने क्या 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 आप कुछ पता नहीं। ठीक है, तो फिर अभी दिखाते हैं अपने रूम से बाहर का व्यू जो बहुत ही तगड़ा आता है। परेशान हो रहा है कि हमको नहीं ले रहे हैं। और भाई ये देखिए हमारे वायु शुक्ला एक नंबर के शैतान छतरी टाइप के लड़के देखो लिटा दिए गए कैमरे में, कितने मस्त देख रहा है। बाबू तुम भी जय श्री राम कर दो। हाँ जय श्री राम करो, जय बाबा करो, जय बाबा कर दो। ये देखो सीख गया है ना इतने दिनों में, कब से करवा रहा है 2 महीने पहले से कि ये करो ये करो। अच्छा जय सीताराम भी कर दो सबसे, सीताराम 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 कर दो, सीताराम सीताराम सीताराम। घबरा नहीं, देख कैमरा देख देख काम कर रहे हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं, बंद करे क्यों बाबू। एक किस्सी दे दो सबको, सबको दे दो, कर दो किस्सी दे रहे हैं सब लोग, अच्छे अच्छे कमेंट करना। दो अच्छा दो, दे दो इसे दे दो। तो भाई चलो बाहर का व्यू दिखाते हैं। तो ये है हमारे कमरे से बाहर का व्यू, देखो यार कितने टूरिस्ट आते हैं, कितने ट्रेवल्स वाली गाड़ियां खड़ी है देखो। शायद मौसम भी खराब है। तो भाई अभी हमने होटल से अपने चेकआउट कर दिया है और अब और हम लोगों ने अपना सारा सामान गाड़ी में रख दिया है। गाड़ी हम लोगों की यहीं पे खड़ी रहेगी और अभी हम लोग ऑटो से यहाँ पे सिटी घूमेंगे, क्योंकि सिटी में अपनी गाड़ी से घूमना ठीक नहीं है, कहाँ जाना कुछ पता भी नहीं, ऑटो वाला अपना सब घुमा देगा। तो भी ऑटो आता होगा और फिर हम लोग पूरे सिटी भ्रमण में निकलते हैं। क्यों फोन कर दो। तो भाई कहाँ लेके चलोगे हम लोग को? मंदिर प्लस पटवा की हवेली। तेज बता यार थोड़ा यार, मंदिर प्लस पटवा की हवेली, सालम सिंह हवेली और फोर्ट। सालम सिंह की? सालम सिंह, सालम सिंह। और लड़का लेके ऊपर चढ़े ना पहले, थोड़ा गड़ी सर लेक, गड़ी सर लेक, गड़ी गड़ी सर लेक, वहाँ बोटिंग होती ना। पहले वहीं ले चलो भाई, पहले चाय की दुकान में ले चलो है ना। तो भाई ये देखो हम सब लोग ऑटो में बैठ गए हैं और ऑटो से अब जा रहे हैं। जहाँ जहाँ ऑटो वाले भैया ने बताया कि इस जगह जाएंगे, तो पहले ही हम लोग को लेक पे लेके शायद चल रहे हैं, अभी पूरा कंफर्म नहीं हुआ है। तो फिर मंदिर मंदिर पहले दर्शन करवाएंगे। चलो फिर पहले मंदिर चलोगे? चलो फिर मंदिर पहले दर्शन करते हैं सुबह सुबह। ये मेरा गबरू बैठा है, ये देखो गबरू, गबरू का दूध बन रहा है इधर। दाल पकवान है तो भाई ये चाय के साथ हम लोगों ने नया आइटम मंगाया है, पता नहीं क्या है, दाल का बता रहा है, तो अब इसको भी खा के टेस्ट करते हो फिर बताते कैसा लग रहा है। तो भाई अभी हम लोग झील पे आए हुए लेक पे, इस झील का कुछ नाम मंडश्री करके है जो कि अभी मुझे कंफर्म नहीं है, पर सामने से देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और आप लोगों को दिखाते हैं चलाया जाता है। नहीं तो हाँ कहीं नहीं चला पाओगे, सब लोग चलाएंगे ना, ये लोग भी तो चलाएंगे पैर से, साइकिल ऐसी चलती है। एक वाव आदमी तो नहीं, कौन वो नहीं रहेगा, कुछ नहीं होता, चलो ना। तो भाई अभी हम लोग यहाँ पे बोटिंग करने जा रहे हैं सब लोग, और टिकट हम लोगों ने टिकट काउंटर से खरीद ली है, चलते हैं फिर बोटिंग करने के लिए। ये देखिए पहले यहाँ से ये तो ले लो सेफ्टी जॉकेट। तो भाई देखिए यहाँ पर सब लोगों ने लाइफ जैकेट पहन ली है अब, और भाई ये देखो हम लोगों ने, हमने भी लाइफ जैकेट पहन ली है, बाबू ने नहीं पहनी क्योंकि बाबू गोद में रहेंगे है ना। ये देखिए भाई हम लोग बोटिंग करने के लिए निकल चुके हैं। फोर सीट ठीक है। तो भाई ये देखो हम लोग झील पे बोटिंग कर रहे हैं और ये हमारे दोनों शैतान बाबू लोग, वो देख हमको कैसे घूर रहा है, कहा पानी में घुसोड़ दियो भाई।
तालों में ताल, वो देख सांप निकला है। अबे हमारी तरफ ज्यादा गुजरे राम जी, लोडे भाई ऐसे ना। तो भाई यहाँ पे हम लोगों की बोटिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम लोग कोई नई जगह पे जाएंगे। बहुत ही मजा आया यार बोटिंग करने में। तो भाई यहाँ पे राम जी और भाभी लोग फोटो शूट कराने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए राम जी पैजामा पहन रहे हैं, ये देखिए। अबे बउआ रुक जा, पकड़ लो एक मिनट। ये देखिए भाई, ये दोनों लोग, ये दोनों मियां बीवी, मेरे मियां बीवी टू। कैसे लग रहे हैं ब्लू इन कमेंट बॉक्स। तो भाई इन लोग का फोटो शूट हो गया है और अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो भाई अभी खाने के लिए पट्टी ले ली और ये इन लोगों की फोटो आ गई है। तो अभी हम लोग सब लोग पट्टी वट्टी खाएंगे थोड़ा, क्योंकि बहुत दो चार पाँच दिन से मसालेदार खाना इतना ज़्यादा हो गया ना कि भाई अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता मतलब कि। तो भाई ये दोनों लोग देखिए पर्स की शॉपिंग कर रहे हैं। इन लोगों के पास हमेशा पर्स कमी रहते हैं। हाँ बहुत अच्छी लग रही, सही में अच्छी लग रही, सही में अच्छी लग रही। हाँ ले लो, हाँ ये भी अच्छी लग रही है। तो भाई ये देखो हम लोग यहाँ पे सालिम सिंह का किला ना, किसका किला? दरबार का है, सालिम सिंह राजा का है, राजा का किला है ना। अभी तो कहाँ भाई, नहीं घर वाले आए। तो भाई अन्नू और भाभी लोग गई हैं किले की पूरी मार्केट देखें, आप देख सकते हैं पीछे कितना बड़ा किला है। और भाई हम और राम जी तो नहीं गए क्योंकि बउआ को भी संभालना है, लादना है। तो भाई थक जाएंगे, जाएंगे यानी ठीक है, जब मन होगा फिर गाड़ी उठा के यहाँ घूमने चले आएंगे किला देखने अकेले। तो भाई अभी यहाँ बैठ के चाय कॉफ़ी का मज़ा लेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो ये देखिए हमारे बाबू यहाँ टेबल इन्जॉय कर रहे हैं, राम जी का बउआ सो रहा है और वो अपना घूम रहा है, घूमने दो। तो भाई काफ़ी टाइम से यहाँ पे बैठे थे और अभी फिर हम लोगों ने भाई बैठे बैठे ऑर्डर की है अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी। बहुत ज़्यादा चॉकलेट लग रहा डाल दी से ना। तो भाई हम लोगों ने यहाँ पे किला घूम लिया है। हम लोगों ने क्या मतलब ये किला घूम के आई हैं, हम तो नहीं आए हैं। और बना लाई वीडियो, तो चलो भाई सब लोगों को वीडियो दिखाएंगे है ना। भाई अपना ऑटो आ गया है और ऑटो में बैठ के हम लोग जा रहे हैं अपने होटल पे और उठाएंगे अपनी कार और 9:00-11:00 हो जाएंगे थार रिजॉर्ट के लिए। तो भाई ये देखो हम लोग गाड़ी में सब लोग बैठ गए हैं टेंशन फ्री होके, अब हम लोग चल रहे हैं केयरफुली होके, ऐसा वो बोल लेता। ये वाला बंगला हमारा ही कार, हम लोग पड़े होते हिसाब से देख लो, जैसे बताओ मैं ठीक है। बात ये ना, ठेकेदार अभी चला जाएगा, समझ रहे हो? देखो सब भी ये आड़ है, यही घोड़ा चलत रहे पहले। अबे वो कुल धरा हुआ आएगा। तो भाई हम लोग सैम डेजर्ट जाते वक्त हम लोगों को लगी भूख, तो और इसके बाद रात में सीधे वहाँ पे खाना मिलेगा। तो अभी हम लोग खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में रुके हुए हैं, खाना खा के फिर लगभग 2-3 किलोमीटर बचा हुआ है, फिर वहीं पे सीधा जाएंगे अपनी एक्टिविटी करेंगे और फिर नाइट स्टे करेंगे जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसलिए पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना। बीच में देख रहे हो भैया आवाज़ बहुत तेज है, तो बीच में मिस और कट मत करना ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो भाई खाना खा के निकल चुके हैं और यहाँ पे इतने सारे कैंप लगे हैं कि कुछ कहने को नहीं, जगह जगह कैंपिंग हो रही है। तो भाई अभी हम लोग अपने कैंप में पहुँचने के लिए सिर्फ 5.5 किलोमीटर दूर है। तो
बस 10 मिनट ही लगेगा। ये देखो भाई, एजेंट लोग आपको ऐसे रोकेंगे और बोलेंगे कि कौन से थार रिजॉर्ट में जाना, कहाँ जाना। देखिए कितने सारे कैंप लगे हैं, आप ये देख सकते हो। कैंप अच्छा रहा, हम लोग गलत कैंप ले लेने का। पाँच किलोमीटर बाद तो कैंप ही बची है बिस्तर बोरा हवा कर दो, जीप कितनी है यही दिखता ही है। ये देखिए भाई आप लोग, रेगिस्तान जो फिल्मों में आप देखते थे वो मैं आपको आज अपने YouTube चैनल पे दिखा रहा हूँ। बस आपको सब्सक्राइब करते रहिए, आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा कि आपने कभी सोची नहीं होंगी। देखिए ये ऊँट का ड्राइवर है, ये देखिए आप रेगिस्तान, तगड़े तगड़े यार, बढ़िया इंडिया वाला रहा है। जा रहा हूँ ऊपर बैठ के, कितने सारे ऊँट बैठे हैं देखो, जाओ समझो केदारनाथ। उन समझे ऊँटा है ऊँट, घोड़ा है घोड़ा। ऊँट कहाँ आ रहा है केदारनाथ में, घोड़ा है घोड़ा रहा है। विलेज डिजिट कैंप अपन लग सारा आखिरी वाला देख दी ना इसका, कह सब निकले जा रहे हैं। किलोमीटर बचो है यहीं पर, फोटो शूट होती समझो, मतलब डीलम भाई डर दे। तो भाई हम लोग अपने कैंप में पहुंच गए और आप लोगों को अभी अपना कैंप दिखा रहे हैं, देखिए कैसा है। तो भाई ये देखिए, ये है हमारे कैंप में, यहाँ पे ये यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह बना हुआ है, यहाँ पे क्या होगा पता नहीं है, ये अंदर तक कैंप वगैरह बने हुए हैं। तो भाई ये देखो कैंप के अंदर खड़े हैं पूरा, कैसा लग रहा है। ये पंखा देखो कहाँ लटका हुआ है, और ये बेड पड़ा हुआ है साइड में, वो भी दे दिया है प्लग स्विच, और ये है बाथरूम। ये देखो भाई ऐसे करके खूब सारे यहाँ पे बने हुए हैं, एक ये है और तुमने बगल ले लिया, और एक ये, चलो ये वाला बाहर से अंदर जाते हुए दिखाते, वाला अंदर से स्टार्ट किया था। खाली एक दिक्कत है, कहा कुर्सी थोड़ा बाहर वाली नहीं थी। मतलब नहीं समझे, मतलब बैठा है लकड़ी वाली होती तो नहीं लगे। उसका ये बाथरूम है, तो भाई अभी हम लोग अपना बैग वैग रख दिया रूम पे, और अब हम लोगों को जिस कैंप में अभी कैंप आपको दिखाया ना, उस कैंप से एक बंदा हम लोग को लेके जाएगा, जहाँ हम लोग कैमल राइड करने के लिए जा रहे हैं। वो देखो बंदा जा रहा है, आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए भाई, ये जो रेड कलर की जॉकेट पहन के बाइक चला रहा लड़का, इसी के पीछे पीछे हम लोग को जाना है, और यही हम लोग को कैमल राइड तक लेके जाएगा। तो भाई हम लोग कहाँ पे पहुँच गए, सैम डेजर्ट ना, सैम डेजर्ट पे पहुँच गए हैं। और भाई अब हम लोग ऊँट की राइडिंग करने जा रहे हैं, तो दिखाते हैं आप लोगों को ऊँट अपने कहाँ पे है मेरे। तो भाई ये देखिए हम लोगों के ऊँट खड़े हुए हैं, यही इसी में चले चारों सब लोग बैठ जाएंगे ऊँट पे, है ना। और ये हम लोगों को पूरी राइडिंग कराएगा, सिंगल वाले में रिक्स है क्योंकि अपने साथ हैं बच्चे। ये देखो भाई ऊँट है, क्या हुआ। तो भाई ये देखो हम लोग सब लोग बैठ गए हैं ऊँट में, ऊँटा गाड़ी में। ये ऊँटा गाड़ी लेके जा रही जैसे पहले पहला गाड़ी, ये ऊँटा गाड़ी। ओए जबरू कहीं लग रहा है, अभियान अभियान कही रहे हैं, जो शौक पूरे हो रहे हैं। ऊँटा गाड़ी में बैठा लियो तुम लोग हमें, क्यों हवा लग रही है यहाँ। तो हवा तो है, ये तो घुमा देगा। और यही यही जीप चलती है खूब तेज तेज। हम दोनों कंपटीशन में रो रहे। तो भाई ये देखो
अपना पूरे कैंपिंग कैंप चारों तरफ दिख रहे हैं, कैंपी कैंप। क्यों भाई यहाँ से पाकिस्तान कितनी दूर है? आप अप कर दो। ये देखो दोनों भाई आप अप करके गाड़ी चला रहे हैं। वो डांटो कैसे डांटो? दोनों जोंगी बोंगा है हमारे ये। ये देखो आप कर दो आप। ओए वायु वायु ऊंट चला रहे हो तुम? ऊंट चला रहे हो? ऊंट चला रहे हो क्यों? तुम भी ऊंट चला रहे हो ना? दोनों जने ऊंट चला रहे हो है? वो तो खच खच कर भी रहो वैसे। तो भाई ये देखो हम लोग सैम डेजर्ट पे आ गए हैं। यहाँ से होता है पूरा सनसेट, पर अब हम लोग यहाँ जब घूमने आए ना तो हम लोग की किस्मत है ख़राब, यहाँ पे बादल आ गए ये देखिए, तो इस वजह से यहाँ सूरज तो डूबेगा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं चारों तरफ कितना भयंकर रेगिस्तान है। सब यही कर रहे हैं ना, सबका यही चल रहा है समझ लो। ये देखिए भाई राजस्थानी म्यूजिक सुना में जा रहे हैं। गाना नहीं बज रहा है। तो भाई हम लोगों ने यहाँ पे कैमल सफारी कर ली है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हैं? बहुत अच्छा लगा, मजा आया यार करके, क्योंकि सब बस थार वाली करी नहीं क्योंकि बच्चे लोग हैं, बनता नहीं है। ठीक है अब हम लोग जा रहे हैं अपने कैंप में, वहाँ की सारी एक्टिविटी की जाएगी। तो भाई अपने यहाँ पे रिजॉर्ट कैंप में पहुँच गए हैं और भाई यहाँ पे होगा अपना वेलकम, तो बनेंगे अपने लोग के वीडियो और दिखाते हैं आप लोगों को किस तरीके से यहाँ पे लोग हम लोगों का वेलकम करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे अंदर एंट्री। तो भाई ये देखो हम लोग रिजॉर्ट के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे वेलकम हो रहा है। ये देखिए लाल टीका वेलकम। वीडियो हम बना दे ठीक है। तो भाई देखो यहाँ चावल लगने जा रहा है हम लोगों के। रुचना हो गया भाई रुचना। तो ये देखो भाई यहाँ पे बैठक होगी रात में। तो भाई आ गए हैं अपने कैंप के अंदर और अब मेरा बाबू सो रहा है, इसको सुला देते हैं। जो तुम धीरे से उतार के इसको सुला दो। तो भाई अभी हम लोग यहाँ पे एकदम अन्नू और सब लोग रेडी हो गए हैं बाहर जाने के लिए। तो भाई फिर अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं जहाँ पे डांस वांस स्टार्ट हो गया है, तो फिर उसको चलते हैं देखने कैसा क्या लग रहा है, क्योंकि बुलाने आए थे कैम सबको दिखा दिया भाई। तो भाई जहाँ पे ये सब होना है तो पकड़ बैठो। तो भाई ये देखो हम लोग आ गए हैं जहाँ पे ये पूरा सिस्टम डांस वांस होना है। तो भाई ये देखो हम लोगों का नाश्ता वगैरह यहाँ पे आने लगा है। भाई डांस वांस चालू करवा यार, पिक्चर टाइट कराओ पूरी, पकौड़ी गवा रहे हो तुम लाल आके। तो भाई ये देखिए अपनी प्याज की पकौड़ियाँ ही बढ़िया, उस तरफ भी इस तरफ भी, और हम लोग बैठे हुए हैं एकदम आराम से। अब यहाँ पे डांस अभी स्टार्ट होने जा रहा है गाना बजने के बाद। तो भाई आपको पता है यहाँ पे डांस स्टार्ट हो गया और आपको मैं डांस दिखाने जा रहा हूँ, तो बिल्कुल फोन वोन को एकदम जूम स्क्रीन में करके इस डांस को देखने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओ। ठीक है भाई, अभी डांस वाला पूरा सिस्टम कंप्लीट हो गया है और अब होने जाएगी यहाँ पे फायरिंग। फायरिंग मतलब कि बोले तो आग फायर वाला गेम दिखाने जा रहे हैं। ये देखिएगा आप लोग, दिखाता हूँ। तो भाई हम लोग यार अब वहाँ से डांस वांस देख के आ गए हैं, टाइम हो रहा था काफ़ी, तो हम लोग आए खाना खाने के लिए। ये देखिए भाई यहाँ पे खाना लगा हुआ है इस प्रकार से। ये क्या भाई
है बाटी चोखा बाटी वाली। अच्छा वो वाली है, हमको चोखा बाटी वाली लगी बाटी। तो भाई ये देखो ये अपना खाना, ये गट्टा चूरमा दाल वाल बाटी सब सूखी सब्जी दो रोटी चावल बस। तो अब इसको हम लोग जा रहे हैं खाने। तो भाई खाना वाना हो गया है और अपने कैंप में मस्त आ गए हैं, अब जा रहे हैं सोने। गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय श्री राम।